5 दिसंबर को हिंगनघाट शहर के आगरकर विद्या भवन में 2 दिवसीय 50वीं तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी का कल समापन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन पंचायत समिति शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण विधान परिषद विधायक डॉक्टर रामदास आंबटकर और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में माध्यमिक विभाग से जामनी विद्या निकेतन स्कूल की छात्रा द्वारा प्रस्तुत विज्ञान प्रदर्शनी करने वाली चैतानी झाड़े को पहला पुरस्कार दिया गया। दूसरा पुरस्कार नामदेव विद्या निकेतन के छात्र मंथन खवट, तृतीय पुरस्कार हिंगनघाट के महेश ध्यानपीठ के छात्र भोजराज लांडके को दिया गया। प्राथमिक विभाग से प्रथम पुरस्कार SSM स्कूल के छात्र तिम्बक मड़ावी, द्वितीय पुरस्कार गुरुकुल स्कूल हिंगनघाट की छात्रा माया गजबी, तृतीय पुरस्कार मोक्षदा घोड़े को दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार सतीश गोड़कर, बंटू मड़ावी आदि को विधान परिषद में विधायक डॉक्टर रामदास जी आंबटकर ने सम्मानित किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रतिकृतियां प्रस्तुत की गई तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका आयोजन पंचायत समिति शिक्षा विभाग और संयोजक आयोजक आगरकर विद्या भवन द्वारा किया गया था। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि यनुरकर की रिपोर्ट।